बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जैसे कि बच्चों नाम से ही एकदम क्लियर है, यूनिटरी मतलब यूनिट, जिसमें हम यूनिट मतलब वन, किसी भी एक तरह की एक चीज़ के बारे में पहले वैल्यू निकालते हैं उसमें यूनिटरी मेथड इसका मतलब होता है। तो एक तरह की चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो वेरिएशंस के तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली होती है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरी होती है इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है बच्चों, इस वेरिएशन में दो क्वांटिटीज़ इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं कि एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। जैसे कि किसी एक ही तरह के आर्टिकल्स हैं तो अगर उनकी कीमत बढ़ेगी, आर्टिकल्स की संख्या बढ़ेगी तो उनकी प्राइस भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इस तरह से एक ही तरह की चीज़ जैसे डिस्टेंस है और टाइम है, मतलब कि एक चीज़ का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस डिस्टेंस को पूरा करने में समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से ये होते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, जब एक चीज़ के हिसाब से दूसरी चीज़ भी चेंज होती है उसी के जैसे। दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन, या जिसको हम इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं वो इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं कि एक के बढ़ने पर दूसरी कम होती है और दूसरी के कम होने पर पहली बढ़ती है। जैसे कि टाइम और वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, कि जैसे कोई आदमी है वो अगर एक आदमी काम करेगा तो वो ज़्यादा दिन में होगा, और ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो वो कम दिन में होगा। तो इस तरह से ये उल्टे जुड़े हुए होते हैं, एक बढ़ने से दूसरा कम होता है। इसी तरह से फूड है एंड नंबर ऑफ मैन है, कि मतलब कुछ खाना है यदि वो एक आदमी खाएगा तो ज़्यादा टाइम में खाएगा, और ज़्यादा आदमी खाएंगे उस खाने को तो वो कम समय में खाएंगे। इसी तरह से स्पीड और टाइम के क्वेश्चंस होते हैं, कि अगर हम हाई स्पीड में चलेंगे तो डिस्टेंस कम समय में पूरी हो जाएगी, कम स्पीड से चलेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर्ड होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो एक बढ़ने पर दूसरा कम होता है उसको हम इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें टोटल वैल्यू को दी हुई क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है, और तब उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए हमें टोटल वैल्यू को दी हुई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। तो इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको समझते हैं। कि बच्चों बहुत ही शॉर्ट और मीनिंगफुल स्टेटमेंट में हम पहली क्वांटिटी लिखते हैं और इसकी वैल्यू जहाँ कहीं भी लिखी होती है, तो उसके लिए हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि वेट ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड बॉय इज 35 kg, तो हमें उसका वेट जो है ही हमें बताना है कि जब वो 30 साल का होगा तो उसका वेट क्या होगा। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये यूनिटरी मेथड है, उसके लिए सबसे पहले 15 इयर्स के बच्चे का हमें एक साल में कितना वेट बढ़ रहा है वो निकालना है, और फिर उसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए हमें पहले हाइट, वेट और कैपेसिटी के क्वेश्चंस निकालने के लिए यूनिटरी मेथड यूज़ करना होता है। पहले एक की चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर ज़्यादा के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि एक टाइपराइटर है, वो 300 वर्ड 5 मिनट में टाइप कर सकता है, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो कितने वर्ड्स 12 मिनट में टाइप करेगा।